YouTube के लेटेस्ट वीडियोज, ब्रेकआउट स्टॉक्स और जो कुछ भी मैं यहां शेयर नहीं कर पा रहा हूं, साथ साथ स्टॉक मार्केट के लेटेस्ट न्यूज के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही साथ आप टेलीग्राम पे स्टॉक बाजार ओरिजिनल सर्च करें और इस तरह का कुछ आइकन दिखेगा, उसे ज्वाइन कर लें। थोड़ी में बात करेंगे कि कल हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी किस डायरेक्शन में मूव कर सकता है, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स है जिस पे हमें ध्यान रखनी चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करें ग्लोबल मार्केट का, तो हमारा मार्केट तो निगेटिव था, लेकिन यहाँ पर जो डॉ जोन्स है वो काफी ज्यादा पॉजिटिव है, 1.47% पॉजिटिव है। तो निश्चित रूप से हम यहाँ पर गैप अप ओपन हो सकते हैं, इसकी ज्यादा संभावना है। फिर यहाँ पर SP 500 ये भी 2.39% अप है, जबकि नेस्डेक 3.82% अप है। मतलब पूरी तरह से ग्लोबल मार्केट का सेंटिमेंट जो है पॉजिटिव है। ये तो US मार्केट देखे, अन्य मार्केट देखे तो वो भी पॉजिटिव है, बोस्पा ये भी पॉजिटिव है, डेक्स देखिए ये भी 2% अप है, FTSE 100 ये भी 2.55% अप है, CAC 40 ये भी 2.52% अप है। मतलब पूरा का पूरा यूरोपियन मार्केट भी अप है, US मार्केट भी अप है। उसके बाद यहाँ पर नीचे आते हैं तो देखिए यहाँ पर जो हमारा अलग अलग मार्केट है, एशियन मार्केट की बात करें, निक्की देखिए यहाँ पर पॉजिटिव है। तो सारा का सारा जो मार्केट दिख रहा है, चाइनीज मार्केट भी पॉजिटिव दिख रहा है, तो सारा का सारा जो मार्केट है वो पॉजिटिव है। तो निश्चित रूप से यहाँ पर हम गैप अप ओपन होंगे। गैप अप ओपन होने के बाद वहाँ पर मार्केट किस तरह से ट्रेड करता है, तो उस प्राइस एक्शन को देख करके हम वहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं निफ्टी का। यहाँ पर देखिए 15 मिनट का चार्ट है, तो यहाँ पर देखिए 15 मिनट चार्ट पे यहाँ पर शार्प सेलिंग हमें दिख रहा है। गैप अप ओपन होने के बाद शार्प सेलिंग देखने मिला। यहाँ पर हम बात करें मार्केट के स्ट्रक्चर का, तो पूरी तरह से सेंटिमेंट निगेटिव है, बुलिश होने में अभी हमें वक्त लगेगा। तो सबसे हमारा जो इम्पोर्टेंट लेवल्स होगा जो कि रेसिस्टेंस का काम करेगा, वो हमारा ये लेवल होगा। ये जो लेवल है ये हमारा रेसिस्टेंस का काम करेगा। तो जब तक हम इस लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं करते, हम निफ्टी जो यहाँ पर पूरी तरह से बुलिश नहीं होगा। तो 16,000 का जो लेवल है उसके ऊपर सस्टेन होना काफी इंपॉर्टेंट है। फिर हम इस लेवल को ब्रेक करते हैं जो कि 16,100 का लेवल, तो फिर यहाँ पर निफ्टी अच्छा खासा अपसाइड मोमेंटम दिखा सकता है। वहीं अगर हम यहाँ पर गैप अप ओपन होने के बाद फिर से अगर इस लो को ब्रेक करते हैं, मतलब ये प्रीवियस डे का जो लो होगा अगर उसको ब्रेक करता है, तो फिर यहाँ गिरावट जो है वो कंटिन्यू जारी रह सकता है। तो देखिए ये दो इंपॉर्टेंट लेवल्स है निफ्टी का जिसको आपको ध्यान रखना है। इस इंपॉर्टेंट लेवल्स के ब्रेक होने पर हम जो है इसमें ऊपर ब्रेक होता है तो बुलिश हो गए, नीचे का लेवल ब्रेक होता है फिर हम बियरिश हो जाएंगे। वही जो अगला है बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी शार्प सेलिंग देखने मिला गैप अप ओपन होने के बाद। यहाँ पर हम बात करें जो इम्पॉर्टेंट लेवल्स है, अगर इस लेवल को ब्रेक करते हैं ऊपर की ओर जो कि है 34,000 का लेवल, 34,000 के लेवल के ऊपर अगर सस्टेन हो जाते हैं तो निश्चित रूप से हम यहाँ पर बुलिश हो जाएंगे। फिर अगर हम नीचे के लेवल जो है, मतलब जो लो बनाया है 33,000 का लेवल, अगर इसको ब्रेक करते हैं तो फिर यहाँ पर शार्प सेलिंग हमें देखने मिलेगा। ज़्यादातर संभावना है कि हम गैप अप ओपन हो, गैप अप ओपन होने के बाद यहाँ पर अगर इस नीचे के लेवल को ब्रेक करते हैं तो फिर यहाँ पर जो है हमें सेलिंग देखने मिलेगा। और अगर यहाँ पर गैप अप ओपन होने के बाद अगर प्राइस जो है ऊपरी लेवल पे सस्टेन हो जाता है और यहाँ पर कुछ इस तरह का प्राइस एक्शन बनता है कि ये 34,000 के लेवल को क्रॉस करके ऊपर निकलता है, तो फिर हम यहाँ पर बुलिश हो जाएंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल्स है ये दोनों, अगर इस लेवल को ब्रेक करते हैं तो हम बेयरिश हो जाएंगे, अगर ऊपर के लेवल को ब्रेक करता है बैंक निफ्टी तो बैंक निफ्टी बुलिश हो जाएगा। वहीं डेली चार्ट पर बात करें तो डेली चार्ट देखिए ये स्विंग जो है लगातार चल रहा है, यहाँ पर सेलिंग है मार्केट में। तो जब ये सेलिंग होता है इस तरह के सेलिंग में आपको गिरावट में जो स्टॉक से अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना होता है। यहाँ पर अगर बात करें निफ्टी तो अपने सपोर्ट रीजन के आसपास है, जो लास्ट स्विंग था उस स्विंग का जो सपोर्ट रीजन है उसके आसपास है। यहाँ पर कोई भी हमें बुलिश कैंडल दिखता है, मतलब बुलिश रिवर्सल दिखता है यहाँ पर, तो हम यहाँ पर बुलिश ट्रेड ले सकते हैं। देखिए यहाँ प्रॉपर हेज के साथ लेना ज्यादा बेटर होगा क्योंकि मार्केट का सेंटिमेंट अभी भी निगेटिव है। अभी जो मार्केट है वो कोई शार्प अप मूव के लिए रेडी नहीं हुआ है, तो हमें कोई बड़ी तेजी मार्केट में देखने नहीं मिलेगा फिलहाल कुछ दिनों तक के लिए। वहीं बात करें बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी का भी चार्ट पूरी तरह से देखिए बेयरिश है, ये भी अपने सपोर्ट रीजन के पास है, जो लास्ट स्विंग है उसके जस्ट ये नियर है। तो अगर ये यहाँ पर 32,000 के लेवल को ब्रेक करता है तब जाकर के इसमें हमें शार्प फॉल, मतलब एक तेज गिरावट देखने मिलेगा। अदरवाइज अभी हो सकता है ये पिछला जो सपोर्ट है, मतलब पिछला जो स्विंग है उसके लो को रिटेस्ट कर सकता है, उसके बाद ऊपर जा सकता है, या हमें कल गैप अप ओपन होने के बाद किस तरह का कैंडल बनाता है डेली चार्ट पर वो देखना होगा। अभी तो ये जो कैंडल है पूरी तरह से बेयरिश कैंडल है, तो अभी हमें कोई ऊपर का अबार्ड मूव जो है वो खास देखने नहीं मिलेगा। तो कल हमें देखना पड़ेगा कि डेली चार्ट पर किस तरह का कैंडल फॉर्म होता है, फिर उसके अनुसार हम यहाँ पर बैंक निफ्टी को ट्रेड करेंगे।
तो ये था कल का मार्केट का ओवरव्यू, किस तरह का मार्केट कल रह सकता है। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ऐसे ही बेहतरीन एजुकेशन इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।